So next one is efficiency. Efficiency, rectification efficiency of full wave rectifier. तो वॉट एक्चुअली वॉट एफिशेंसी मीन्स, एफिशेंसी क्या होता है, किसी भी सिस्टम की एफिशेंसी होती है कि इनपुट देने पर आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है. तो वी कैन डिफाइन एफिशेंसी एज आउटपुट अपॉन इनपुट. दिस इज सिंपल और जनरल टर्म फॉर एफिशेंसी. तो फॉर रेक्टिफिकेशन एफिशेंसी वी सिंपली पुट द फॉर्मूला आउटपुट पावर. पावर किस फॉर्म में आ रही है, डीसी, क्योंकि हमें जो भी हम रेक्टिफायर सर्किट यूज़ कर रहे हैं उस पर हमारा जो भी आउटपुट है दैट इज़ डीसी आउटपुट. तो पी डीसी अपॉन पी एसी. पी इज पावर, पावर डीसी, डीसी पावर अपॉन एसी पावर इनटू 100. तो सिंपली अगेन वी हैव अ फॉर्मूला और वी कैन से वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दी पी डीसी एंड पी एसी फॉर दी सर्किट. तो फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन पी डी सी एंड पी ए सी इज गिवेन एज पी डी सी इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर आर एल विच इज़ इक्वल टू, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, हमने प्रीवियस वाले में देखा था रेक्टिफिकेशन एफिशेंसी में 2 IM बाई पाई होल स्क्वायर इंटू आर एल, मैंने आई डी सी की जगह वैल्यू पुट कर दी. इसी तरीके से आई ए सी के लिए हम आर एम एस वैल्यू यूज़ करते हैं विच इज आई आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एस इन आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल. तो एक्चुअली आर एफ आर एस एंड आर एल है क्या, आर एफ इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. तो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा वो मैंने यहाँ पर आर एफ की फॉर्म में शो किया है. आर एस इज सोर्स रेजिस्टेंस, आर एल इज लोड रेजिस्टेंस. तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा आई एम बाई रूट टू, करेंट की मैक्सिमम वैल्यू रूट टू होल स्क्वायर आर एफ आर एस आर एल सारे सम्मिशन में, ठीक है. तो जस्ट मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. नाउ सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ए. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए. तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी है इक्वेशन ए में. तो मुझे जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी 2 IM बाई पाई होल स्क्वायर आर एल आई एम रूट टू होल स्क्वायर आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल. इस पूरे अगेन जस्ट पुट कर दिया, पुट करने के बाद देर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो अब मुझे यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है. तो जब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करूँगा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस होल एक्सप्रेशन वी गेट 8π² 1/1 प्लस आर एफ प्लस आर एस आर एल. तो यहाँ पर ये जो फैक्टर आया है अब मुझे इस फैक्टर पे वर्कआउट करना है. वर्कआउट करने के लिए देर इज नथिंग हार्ड या नथिंग डिफिकल्ट, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पर आर एस प्लस आर एफ की वैल्यू क्या है, ये जो पूरा फैक्टर है इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम है. सो वी कैन नेगलेक्ट दिस एक्सप्रेशन, मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को नेगलेक्ट कर दिया. तो जब मैंने नेगलेक्ट किया फाइनली वी गेट दी एक्सप्रेशन 8π² 8/π² इंटू 100 एंड दिस गिव्स मी एफिशिएंसी 81.2%, जो कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है. तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर द एफिशिएंसी इज 81.2, मींस 81.2% मुझे आउटपुट पर मिल रहा है एज अ डीसी पावर, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू.